सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की कमेटी को असरनो तश्कील दी गई है। नए कमेटी के सदर अब्दुल मजीद ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ इश्यूज पर बात की। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये नया मीकात में नया लीडरशिप आया हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है, 3 साल को एक बार हमारा इंटरनल इलेक्शन होता है, नया लीडरशिप चुना जाता है। अभी नया लीडरशिप है, हमारा ऑफिस बेयरर्स आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद मीडिया डिबेट आज है, तो मीडिया डायलॉग, उसका मकसद है अगले आने वाले 3 साल में हमारा एजेंडा क्या रहेगा, हमारा जो एजिटेशन कैसा रहेगा, और नया लीडरशिप जो आया है कर्नाटक में एसडीपीए का, उनको एक इंट्रोडक्शन भी होना है मीडिया के साथ। ऐसा एक मीडिया डायलॉग के लिए आज बुलाया गया। तो आपको सबको स्वागत करते हुए, मेजर जो इश्यूज आज कर्नाटक के अंदर चल रहा है उसमें बहुत मेजर ये है, जो कर्नाटका कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, वजीर आलम हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब को एक लेटर लिखे, उस लेटर में हैंक का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 40% कमीशन लेना है टेंडर का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में 40% कमीशन देना है, और उसमें टेंडर अप्रूव होने से पहले ही 5% हैंक का मिनिस्टर्स डिमांड कर रहे हैं। ये है लेटर लिखे हैं। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इतना बड़ा जो आरोप है, जब 2018 का जो असेंबली इलेक्शन का पहले नरेंद्र मोदी जी जो कर्नाटक में आए थे, कर्नाटक का सिद्धरामैया का गवर्नमेंट को 10% कमीशन सरकार बोलकर उन्होंने आरोप किए थे। मैं पूरा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, आज कर्नाटक का जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन, जो गवर्नमेंट का जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन, आज आपका ही गवर्नमेंट के ऊपर 40% कमीशन का जो लेटर लिखे हैं, हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुतालबा करते हैं और हम अर्ज करते हैं कि इसका इंक्वायरी होना चाहिए। जो सिटिंग हाईकोर्ट का सिटिंग जज का लीडरशिप में इसका इंक्वायरी होना चाहिए। देखिए, कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत आने के बाद पुलिस अट्रासिटी की एक नई हिस्ट्री क्रिएट होती जा रही है। वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर बोल के नहीं, दलितों के ऊपर ले लो, क्रिश्चियनों के ऊपर ले लो, या पिछले जो भी डाउन ट्रेडन कम्युनिटीज हैं, इनको एक जानवर के जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस स्टेशन चाहिए था, ये एक डेमोक्रेटी का एक हिस्सा है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है, वहां जस्टिस के लिए हर कौम वाला जाता है। आप देखे होंगे विजयदशमी के दिन एक पुलिस स्टेशन, मतलब ये पुलिस स्टेशन में सिर्फ मुसलमान नहीं जाते, सिर्फ हिंदू नहीं जाते, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं जाते, विजयदशमी के दिन इन्हों पूरे एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहनकर विजयदशमी मनाते हैं। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में इनको परमिशन दिया गया? ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्वेश्चन करी थी यहाँ के डीजीपी को, यहाँ के होम मिनिस्टर को, आज तक उसका जवाब नहीं। दूसरी ओर पर एक पुलिस स्टेशन को एक दलित भाई एक कंप्लेंट देने की हैसियत से जाता है, उसको पेशाब पिलाया जाता है, तो ये कौन सी पुलिस स्टेशन का एक ये है, क्या बोलते हैं उसकी तहजीब है? और एक जगह पर एक बैटरी चुराने वाले एक चोर को कौन सा कानून बोलता है कि उसका हाथ कतरा जाए? कौन सा कानून बोलता है उसको मैन हैंडलिंग किया जाए? हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कानून में सीआरपीसी सेक्शन ये बोलता है, अगर 100 गुनाहगार भी छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना। तो पुलिस उनको कौन ऐसा परमिशन दिया कि मैन हैंडलिंग करने का, टॉर्चर करने का, असल्ट करने का? तो आज पुलिस कमिश्नर को एसटीपी के जानिब से कंप्लेंट देके 24 घंटे गुजर गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या ये मिसाल कायम करना चाह रहे हैं?